हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं 2019 और 2020 के लिए, उसको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। इसमें पूरे एक साल और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पुराने वर्षों के हैं उनको भी मैंने शामिल किया है। पुराने वर्षों का मतलब है 2018 के, ठीक है, उनको भी मैंने इसमें शामिल किया है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक कम्प्लीट एक कोर्स हो पाए करंट अफेयर का, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है। इसके अलावा आपको एक दो पार्ट और मिलेगा जिसमें मैं बहुत सारे करंट अफेयर को कवर करूंगा। तो करंट अफेयर के इस सेशन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाल कलर का एक नीचे बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिल पाए और आप सभी क्लासेस के साथ जुड़े रहें। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो सेंट्रल लेवल पे, चाहे रेलवे का, पुलिस का, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजन 2031-32 तैयार किया गया है तो किसके द्वारा? तो ये नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है, विजन 2031-32। भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन सा है? तो मानव रहित जो पहला टैंक है वो उसका नाम है मंत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSAT-17 एरियन स्पेस द्वारा इसरो के लिए प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो 21वें नंबर का ये उपग्रह है, ठीक है, जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। JSLV Mark III द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो JSAT-19 जो है ये JSLV Mark III के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, JSAT-9 जो है उसका प्रक्षेपण कब किया गया? तो 5 मई 2017 को किया गया था इसका प्रक्षेपण। हालांकि चर्चा में था JSLV, इसलिए इसको आपको बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, JSAT-9 का दिया गया नाम क्या है? तो JSAT-9 को दक्षिण एशिया उपग्रह भी कहा जाता है। दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना में शामिल ना होने वाला देश कौन सा है? तो ये है पाकिस्तान, जो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 104 उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु प्रयुक्त प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो ये जो है PSLV C-37 है, ठीक है, चर्चा में था, हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। इसरो द्वारा प्रक्षेपित नैनो उपग्रह कौन सा है? तो INS-1A और INS-NS-1B, ये जो है आपका इसरो के द्वारा प्रक्षेपित नैनो उपग्रह है। भारत का पहला स्वदेशी स्पेस शटल कौन सा है? तो RLV-TD। विश्व का सुपर कंप्यूटर आपको बताना है कौन सा है, जो सबसे दमदार सुपर कंप्यूटर जिसे कह सकते हैं वो कौन सा है? तो Sunway-Taihulight, ये 93 पेटाफ्लॉप्स का है और ये सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा दुर्लभ एवं विशिष्ट प्रजाति का दर्जा प्रदान किसको किया गया है? तो केंद्रपाड़ा भेड़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद जो है ये भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना हेतु विकसित खानदेरी स्टील्थ पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका उत्तर है स्कार्पून श्रेणी की। निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो निर्भय मिसाइल जो है जो डेवलप किया गया है वो उसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ कार्यक्रम का पूर्ण नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, किसी भी योजना का फुल नेम पूछ लेगा आपको। तो साथ कार्यक्रम का जो पूर्ण नाम है वो है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर 2018 में ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, 2019 में भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक लोहित नदी पर निर्मित देश का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु, जो ढोला सादिया सेतु है, ये 9.15 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश वाला है वो बहुत ही स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो धुले जो महाराष्ट्र में है वो देश का सबसे गंदा शहर है। वर्तमान में 3 तलाक प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने वाले इस्लामिक देशों की संख्या टोटल कितनी है, हो गई है? तो 22। राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये किसके लिए है? तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या टोटल कितनी है? तो 7 है टोटल संख्या। वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जिसे बोला जाता है, इसको घटाकर कितना किया जाना एक तय किया गया है? तो 2.1 तक तय किया जाना ये लक्ष्य रखा गया है। क्षय रोग यानी कि जो TB है उसके उन्मूलन हेतु जो निर्धारित वर्ष है वो कौन सा है कि जब इसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा? तो 2025 इसका उत्तर है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में अधिसूचित किया गया है किस स्थान को या किस चीज को? तो धर्मशाला को जो है ये हिमाचल प्रदेश की एक दूसरी राजधानी के रूप में जो है इसको सूचित किया गया है। भारत का पहला मवेशी ब्लड बैंक स्थापित करने की योजना कहाँ पर? तो ये ओडिशा में
ये मवेशी ब्लड बैंक जो है स्थापित किया गया। फ्लाई एस उपयोगिता नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है ये फ्लाई एस की उपयोगिता पर एक नीति बनाने वाला राज्य है। देश में पहली महिला पुलिस कंट्रोल रूम वैन का प्रारंभ किया गया है, तो कहाँ पर? दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया दिल्ली में, और ये पहली महिला पुलिस कंट्रोल रूम वैन होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मांझली द्वीप ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नदी द्वीप जिला, असम का जो 35वां जिला है वो मांझली द्वीप है, ठीक है? ये असम का 35वां जिला है और ये पहला नदी द्वीप जिला भी है, ठीक है? तो मांझली जो है यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की प्रथम बाल अदालत कहाँ पर है? तो हैदराबाद में ये दक्षिण भारत की पहली बाल अदालत है। भारत का पहला मक्का आधारित मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो कपूरथला पंजाब में यह स्थापित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भोपाल में यह स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको जो है पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर है नीरजा को दिया गया था। दीनदयाल रसोई योजना का प्रारंभ कहाँ पर किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में गाय उपकर की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान में, ठीक है? ये जो गाय के ऊपर जो सेस लगाए जाएंगे, उपकर लगाए जाएंगे, उसकी घोषणा की गई थी। योग शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य है। विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम यह मिड डे मील योजना प्रारंभ हुआ। नोमैडिक एलिफेंट 2017 ये सैन्य अभ्यास जो है ये कहां पर शुरू हुआ था, मतलब किस किस देश में? तो भारत और मंगोलिया के बीच में। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना शुरू किया गया कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। द अंडरग्राउंड रेल रोड हेतु पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो इसका नाम है कोल्सन व्हाइट हेड, ठीक है? राष्ट्र पुरुष चंद्रशेखर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशवंत सिन्हा इसका सही उत्तर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 123वां संशोधन जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के मंजूरी से जुड़ा हुआ है 123वें नंबर का संशोधन। पानी पीने की गंभीर समस्या को स्थानीय आपदा में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है झारखंड। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर यह स्थापित है? तो इसका उत्तर है बिहार में। मातोश्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है सुमित्रा महाजन, ठीक है? लोकसभा स्पीकर थी इससे पहले। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा में। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो भोपाल में। विश्व की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन जो है बनाई जा रही है, तो कहाँ पर? सिएटल में। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? तो इसका नाम है एडवांस लाइफ सपोर्ट। बिजली आपूर्ति में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है केरल और महाराष्ट्र। दृष्टिहीन चैंपियन आईसीसी का राजदूत किसे बनाया गया था? तो इसका उत्तर है अफरीदी और हरभजन को। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, ठीक है? ये अभ्यास है जिसका नाम है सागर कवच, ये कहाँ पर जो है इसको शुरू किया गया है? इसका उत्तर है गोवा में। कुक चक्रवात की कहर से प्रभावित देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। और निषेधाज्ञा कानून न्यायालय की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है बिहार। झारखंड नक्सलवाद क्षेत्रों में प्रारंभ योजना तारी जमीन पर है, ठीक है? ये नक्सलवाद जो एरिया है झारखंड का, वहां पर ये प्रारंभ किया गया है। सभी तरह के वाहनों पर लाल बत्ती पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब, ठीक है? सभी प्रकार के जो वाहन है उन पर लाल बत्ती नहीं लगाई जाएगी, ऐसा कुछ कानून है। तीन तलाक से पीड़ित महिला को निःशुल्क कानूनी मदद देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है केरल। जीवन रेखा लाइफ लाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है, तो कहां पर? सिंध दुर्ग, ठीक है? पहले कार्गो अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण कहां से किया गया है? तो इसका उत्तर है चाइना के द्वारा, चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली तूफान से प्रभावित राज्य कौन कौन से? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कांच की छत वाली पहली ट्रेन जो है वो कहां पर बनाई गई है? तो ये विशाखापट्टनम और अटाको के बीच में ये चलने वाली ट्रेन बनाई गई है। पंचायत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण व सम्मानित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, या फिर राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है रांची, ठीक है?
जाखू रोपवे परियोजना का प्रारंभ कहाँ पर किया गया, किस राज्य में? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में, जाखू रोपवे परियोजना। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है, तो इसका उत्तर है जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व सर्कस कलाकारों को पेंशन देने की योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है केरल। साइबर रेज लैब की शुरुआत की गई है तो कहाँ पर, तो गुरुग्राम में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में रीवा शहर में। जलयुक्त शिविर योजना चलाने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय बायोटेक वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण जो है वो किस बीमारी के लिए है, तो इसका उत्तर है जीका वायरस के लिए। ठीक है, जीका वायरस जो है उसके लिए ये एक वैक्सीन है, ठीक है, जो बनाया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। टी ट्वेंटी में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो इसका उत्तर है क्रिस गेल। अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों का नाम स्वयं परिवर्तित किया गया है तो किसके द्वारा, तो चीन ने जो है परिवर्तित किया है 6 स्थानों का नाम। सामाजिक सुरक्षा योजना जो है ये प्रारंभ हुआ है तो कहाँ पर, तो इसका उत्तर है बांग्लादेश, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन का चेहरा बनाया गया किस व्यक्ति को, इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर। देश का पहला पुस्तकों का गांव कहां पर ये बना है या कहां पर है, इसका उत्तर है पंचगनी, महाराष्ट्र में। आरबीआई ने अपना नया बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोला है तो कहां पर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है तो कहां पर, किस शहर में, तो बाड़मेर में। बुक बैंक की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है पंजाब। पानी के नीचे मेट्रो सुरंग बने कोलकाता एवं हावड़ा के बीच जो है, सॉरी कहां पर बनेगा, ठीक है, कहां पर बनेगा पानी के नीचे मेट्रो सुरंग कहां पर बनेगा, तो इसका उत्तर है कोलकाता और हावड़ा के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किस व्यक्ति को दिया गया है, तो कासिन धुनी विश्वनाथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व महासागर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो अमेरिका में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है, तो चित्रा मुदगल को। भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इसका नाम है वरुड़ा टुलान। ठीक है, ये किया गया है भारत और फ्रांस के बीच में, ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है वरुड़ा टुलान। तो इसी के साथ आपका ये पहला पार्ट जो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये आपके सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।